बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए माबूद, यकीनन तेरी मखलूक में कोई ऐसा नहीं जो शाम करे, मुझसे ज़्यादा उस पर तेरा एहसान हो। न उसके लिए तेरी लगातार मेहरबानी है, न उस पर तेरा खुला हुआ फ़जल है, न उसके साथ इंतहाई नरमी है, न उसके लिए बेशतर निगहबानी है, और ना उस पर तेरा कुछ ज़्यादा करम है जो मुझ पर है। अगरचे सारी मखलूक इसी तरह शुमार करती है जैसे मैंने इन चीज़ों को शुमार किया है, तू भी गवाह रहना ए काफ़ी गवाही वाले इस बात पर कि मैंने सच्चे दिल से तुझे गवाह बनाया है, इस पर कि मुझे नेमतें इनायत करने में तेरा फ़जल व करम बहुत ज़्यादा है, जबकि मैं उन पर बहुत कम शुक्र करता हूँ। अए हर इरादे को अंजाम देने वाले रहमत फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, और मेरी कम शुक्री के बायस नज़ूल बला से बचाने के लिए अमान का तौक मेरे गले में डाल दे, और अपनी वसी मुआफ़ी की बदौलत मेरे लिए नेमतें बढ़ा दे। मुझ पर अपनी तरफ से करम की बारिश बरसा, पस रहमत फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम और उनकी आल पर। मेरी बदबातनी के साथ मेरी जांच न कर, बल्कि मेरे दिल को अपनी रज़ा के लिए आजमा, जिस चीज़ के ज़रिए मैं तेरे दीन के करीब आया हूँ उसे अपने लिए खालिस करार दे, और उसे किसी शुभ फ़खर और नुमाइश में शुमार न कर, ए करम करने वाले। आमीन।